आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्रावण महत्तम का 13वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव की कृपा से मनुष्य सभी सुख प्राप्त करता है, वह अंत में शिव लोक को जाता है। कथा महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, आज के अध्याय में भगवान महादेव श्री सनत कुमार को श्रावण शुक्ल चतुर्थी व्रत का महत्तम सुना रहे हैं। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल चतुर्थी को किए जाने वाले व्रत दुर्गा गणपति के बारे में बताता हूँ। त्रिलोक में प्रसिद्ध इस व्रत को भगवती पार्वती ने श्रद्धा पूर्वक किया था। इस व्रत को सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर आदि कर चुके हैं। यह व्रत सब प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी के दिन एक दंत वाले गणेश जी की स्वर्ण की प्रतिमा बनवाकर स्वर्ण के सिंहासन पर स्वर्ण की दुर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करनी चाहिए। लाल कपड़ा बिछाकर सर्वोत्तोभद्र मंडप का निर्माण कर उस पर कलश स्थापित करें। लाल फूल और पांच पत्रों अपामारक, शमी, दुर्वा, विल्लप पत्र आदि और इस मौसम में होने वाले सुगंधित पुष्पों तथा फलों आदि का नैवेद्य रखकर 16 उपचार से गणेश जी की पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिए और इस प्रकार कहें, मैं इस स्वर्ण निर्मित प्रतिमा में विघ्न विनाशक गणेश जी का आवाहन करता हूँ। इसमें वे पधारें, रत्नों से जड़ित उत्तम स्वर्ण सिंहासन बैठने के लिए देता हूँ। हे गणपति, आप इसे स्वीकार करें। हे पार्वती पुत्र, हे सनातन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे विघ्नों का नाश करें। हे सुरश्रेष्ठ लाल चंदन चर्चित, मैंने भक्ति पूर्वक अक्षतों को चढ़ाया है, आप इसे स्वीकार करें। लोकों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के विनाश हेतु एक दंत यह आपकी पतवार है, प्रसन्नता पूर्वक धूप को स्वीकार करें। इस दीपक को मैं आपको देता हूँ, आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। गणनंतवा वैदिक मंत्र से लड्डू तथा खीर, कपूर तथा इलायची युक्त पान आपको समर्पित कर रहा हूँ। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गजानन, हे गौरी पुत्र, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। जो प्राणी 5 वर्ष तक व्रत कर उद्यापन करता है, वह अपने मन वांछित पदार्थों तथा वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में देह त्याग कर मेरे लोक को प्राप्त करता है। यदि इस व्रत को कोई 3 वर्ष तक करे तो उसे सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और अंत वह मेरे लोक को जाता है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के बिना करता है तो यथाविधि पूरा व्रत करने पर भी उसका व्रत निष्फल हो जाता है। उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन के दिन तिलों को जल में मिलाकर स्नान करना चाहिए। फिर गणेश जी की एक पल या आधा पल या चौथाई पल की स्वर्ण की प्रतिमा बनवाकर उसको पंच गव्य द्वारा स्नान कराकर दुर्वा से पूजन करनी चाहिए और कहना चाहिए, हे गणाधीश, हे उमासुत, हे विघ्न नाशक, आपको नमस्कार है। हे विनायक, हे ईश पुत्र, हे सर्व सिद्धि दायक, हे हेम वक्र, हे मूषक वाहन, हे कुमार गुरु, आपको नमस्कार है।
उपरोक्त सभी नामों से अलग अलग पूजन करना चाहिए। पहले दिन अधिवासन करना चाहिए, दूसरे दिन प्रातःकाल हवन करना चाहिए। ग्रह होम कर दुर्वा तथा लड्डू से प्रधान होम करना चाहिए। धूप तथा लड्डू के होम के बाद पूर्ण आहुति करके आचार्य आदि ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक दूध देने वाली गायें बछड़े सहित दान करनी चाहिए। ऐसा व्रत करने से मनुष्य अपनी सभी कामनाओं को पूरी कर सकता है। भगवान महादेव कहने लगे, हे सनत कुमार, इस प्रकार जो भी मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर इस व्रत महत्तम को सुनता है, इसे धारण करता है, मैं उसको सभी सुख प्रदान करता हूँ और अंत में सद्गति देता हूँ। इति श्रावण महत्तम 13वां अध्याय समाप्त। बोलो शंकर भगवान की जय। बंधु, भगवान महादेव की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।